सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से उद्धव ठाकरे की याचिका से जुड़ी मूल दस्तावेज मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे समूह की तरफ से असली शिवसेना के फैसले को चुनौती देने पर सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने कहा कि स्पीकर कोर्ट को मूल दस्तावेज दें। विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को एक आदेश में जून 2022 में विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना घोषित किया था। उन्होंने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शिंदे गुट द्वारा ठाकरे खेमे पर रिकॉर्ड में जालसाजी किए जाने का आरोप लगाने के बाद मूल दस्तावेज मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ठाकरे समूह की याचिका पर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने शिंदे और उनके विधायकों को 1 अप्रैल या उसके पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा और याचिका को 8 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने कहा कि वह याचिका की विचारणीयता के मुद्दे को खुला रख रही है। गौरतलब है महाराष्ट्र में असली शिवसेना को लेकर जंग अभी थमी नहीं है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को एक आदेश में जून 2022 में विधानसभा के बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को मूल राजनीतिक दल घोषित किया था। उन्होंने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधित ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर का 10 जनवरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के मई 2023 के फैसले का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को विधानसभा में विधायकों की ताकत के आधार पर विवाद का फैसला करने से भी रोक दिया था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शिंदे गुट द्वारा ठाकरे खेमे पर रिकॉर्ड में जालसाजी किए जाने का आरोप लगाने के बाद मूल दस्तावेज मांगा है। यह पता लगाने के लिए कि कौन सा गुट असली पार्टी है, सीजीआई ने विधायी बहुमत के परीक्षण के उपयोग पर सवाल उठाते हुए अध्यक्ष के आदेश का हवाला दिया और कहा कि क्या यह फैसले के विपरीत नहीं है। संपूर्ण प्रस्तुतिकरण हमारी अदालत के फैसले के विपरीत है। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की एक याचिका पर 22 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ अन्य विधायकों से जवाब मांगा था। ठाकरे गुट ने विधायक सुनील प्रभु के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और अब असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा था कि जून 2022 में जब पार्टी विभाजित हुई तो शिंदे समूह को शिवसेना के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन प्राप्त था। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने सीएम एकनाथ शिंदे समेत अन्य 15 विधायकों में से किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।